विद्युत तारों की चिंगारी से दो घरों में लगी आग, महिला झुलसी। इटावा जनपद के भरतना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छोला मौजा रामायण में शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे ग्रामीणों में उस समय चीख पुकार के बीच हाहाकार मच गया, जब गांव के हाकिम सिंह दोहरे पुत्र राम प्रसाद दोहरे के घर के ऊपर से गुजरी विद्युत लाइन के तारों में अचानक फॉल्ट होने से निकली चिंगारी ने भीषण आग का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते हाकिम सिंह का घर धू धू कर जलने लगा। घर में लगी अचानक भीषण आग से बचने को घर में मौजूद पुत्र बधु रूपा देवी बाडनाती ने घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं हाकिम सिंह के घर में लगी भीषण आग की लपटों ने तेज हवा के साथ पीछे की ओर रुख कर लिया, जहां पिछवाड़े रह रहे मनोज संकवार के घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच मनोज की पत्नी सुनीता 35 वर्षीय अपने 3 बच्चों के साथ घर में ही थी और वह अपने 3 बच्चों समेत आग की लपटों में बुरी तरह गिर गई। सुनीता ने किसी तरह अपने बच्चों की जान बचाने और घर को आग से बचाने का प्रयास किया, जिस पर सुनीता ने अपने 3 बच्चों कुमारी हिमांशी 12 वर्षीय, कुमारी आंशी 9 वर्ष, सबसे छोटा पुत्र नमन 5 वर्ष को किसी तरह आग में जलने से सुरक्षित बचा लिया, लेकिन सुनीता आग में झुलस कर घायल हो गई। घटना की सूचना पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जगदीश चंद्र ने फायर ब्रिगेड को सूचित कर घटना स्थल पर बुला लिया, जिस पर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से दो घरों में लगी भीषण आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक हाकिम सिंह पुत्र राम प्रसाद दोहरे के घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जल करके राख हो गया। क्या नाम है आपका? रेनू जी। आपके घर में कौन जली है? मेरी माई। आपकी माई थी? हाँ। तो कैसे झुलस गई वो? वो सामान निकाल रही थी। सामान निकाल रही, तो ये आग कैसे लगी कुछ पता चला? वो छेद में आई, मतलब उनके घर में आग लगी थी बगल वाले में, तो वहाँ कैसे लगी? अच्छा, बत्ती से लगी, चिंगारी से लगी है। अच्छा, तो आपके घर में क्या क्या जल गया है? सामान जल गया सब, और क्या जला। कितना क्या नुकसान हुआ है, कुछ अनुमान लगाया? सो नहीं पता, मेरी माई निकाल रही थी ना हम। अच्छा, भूसा वगैरह भी जल गया क्या? सामान जल गया सब कुछ। इसी में रहते थे आप लोग? इसी में रहते थे। अच्छा, आप कहाँ रहेंगे इस टाइम? अब इस टाइम कहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? बाहर रहेंगे। तो खाने पीने का जो सामान था, अनाज वगैरह, वो भी चला है क्या? वो नहीं चला। अच्छा, तो आपकी जो माई थी उनको कहाँ भेजा गया? अब ये नहीं बता सकते, अस्पताल में गए। अस्पताल में भेजा गया। एम्बुलेंस नहीं आई थी? नहीं, 112 नंबर से भेजा गया। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? हाकिम सिंह। ये घर आप ही का है? जी। अच्छा, कैसे आग लगी आपके घर में? जब ऊपर तथा गिरी, हम यहाँ पर चारपाई थे, लड़का बहू ना थी। अच्छा, ऊपर से क्या गिरा? ये समझ में नहीं आई, जहाँ से बारिश भाई कहाँ बहु नहीं, बारिश अभी कहाँ हो रही, फॉल्ट हुआ? फॉल्ट हुआ। हाँ। तो बाने बहू का चिल्लानी, निकरो निकरो, आगे लग गई, आगे लग गई। हाँ। एकदम भर भर भाई जोलो, हम लड़का बहु निकरे तो ये बिजली के तार में फॉल्ट हुआ, उसके कारण चिंगारी जो थी वो आपका छप्पर यहाँ लगा हुआ था, उस पर आग लगी है। तो क्या कुछ जल गया? पूरा सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? घर में कौन कौन था आपके? घर में आपके कौन कौन था? कोई नहीं था? हमारी बहू थी, नाती है, तो हम आते थे। अच्छा, जला कौन है, कौन सी महिला जली है? बेटी से मकान वाली, वो आपके पीछे जस्ट मकान था उनका। उनका क्या नाम है? मनोज के घर से हैं। वो जल गई है? उनके घर में भी आग लगी थी, मतलब इधर से ही आग गई। हाँ। तो हो सकत बट डराई गई वो को, जो कुछ बहु हो। अच्छा। हाँ, अब देख ले आग बालिंगा गई क्या नहीं गई, कहा बहू। प्रधान जी, ये कौन सा गांव है? छोला। कैसी आग लगी, क्या जानकारी मिली आपको? ये लाइट की फॉल्ट हुआ, उसकी चिंगारी से आग लगी। कितने घरों में आग लगी है? एक घर में तो ये पूर्ण रूप से जल चुका है जी, और बगल वाले में महिला भी झुलस गई है। महिला झुलस गई है, उनको ले जाया गया अस्पताल? हाँ, उनको CSC के लिए। अच्छा, कैसे ले जाया गया उनको? उनको 112 नंबर से। 112 नंबर। एम्बुलेंस को सूचना नहीं दी थी? एम्बुलेंस को सूचना की थी, लेकिन लेट वजह होने की वजह से 112 से। अच्छा, जो महिला झुलसी है उनका क्या नाम है? मनोज कुमार के घर से है, नाम सुनीता नाम है सर।